नमस्कार। यदि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आँख से संबंधित व्याधि है, आँख से नहीं दिख पा रहा है, आँख में जलन होती है, दर्द होता है और क्या क्या हो सकता है ना, आँख से संबंधित सभी तरह के जो व्याधि है, उस व्याधि में ये जो नीम के फूल है ना, इन दिनों ये फूल का सीजन है, तो सारा फूल को आप तोड़ करके ले आइए, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद फिर ये सारा झड़ जाएगा, ये है ना, तो मिलेगा नहीं फिर। अभी बस वीडियो को देखिए, पूरा देख करके इसको काजल कैसे बनाना है वो आप पूरा नोट करिएगा। उसके बाद तुरंत जाना है आपने, जाके फूल को तोड़ के ले आना है, क्योंकि ये गिर जाएगा, ये 4-5 दिन के बाद सारा फूल आपको मिलेगा नहीं पेड़ में। तो अभी 2-3 दिन ही आपके पास वक्त है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, देखिए जरा, फूल है ना, इसको आपने यहाँ से तोड़ना है ना, फूल फूल को तोड़ लीजिएगा, डंडे को फेंक दीजिएगा। अब इसको आप जो चीनी का खरल बोलते हैं ना, उस खरल में इसको डालिए, या आप कोई भी खरल में आप इसको डाल सकते हैं। इसके वजन अगर कम से कम 100 ग्राम है तो कम से कम यहाँ पर 10 ग्राम भीमसेनी कपूर डाल दीजिएगा और अच्छी तरह से इसको आप पीस लीजिए, है ना, बढ़िया सा खरल में डाल के एकदम काजल जैसा बनाइए। और उसको आप शीशे के एक बोतल में अच्छी तरह से उसको अंदर डालिए, ढक्कन लगाइए और बहुत बढ़िया तरीका से उसको मिट्टी से ऊपर बड़ी अच्छी तरह से करके थोड़ा कपड़ोटी कर लीजिएगा, है ना, किसको, शीशे के बोतल के ऊपर के ढक्कन, ताकि उसके अंदर न तो मिट्टी जाए, ना हवा जाए, ना पानी जाए, ना कीड़े मकोड़े कुछ ना जाए। अब आप क्या करोगे, उसी नीम के पेड़ के नीचे के जो जमीन है वहाँ थोड़ा खोद करके उस बोतल को वहाँ पर आप दफना दीजिएगा, और उसके बाद कम से कम 3 महीने तक वो वहीं पर पड़े रहने देना। और जब आप उसको अंदर डालेंगे बोतल को, तो ऊपर से थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिएगा, बस बने रहने दीजिएगा। और 3 महीने तक जब आप खोल करके उसको देखेंगे तो बिल्कुल आपका कजली यहाँ पर तैयार आपको मिलेगा। थोड़ा सा आप निकाल लीजिए, जितना आपको आवश्यकता है। जब भी कभी कोई पेशेंट आपके सामने आएगा, वहाँ से थोड़ा सा लिया लेकर के उस पेशेंट को थोड़ा सा पीस पास करके डिब्बे में डाल करके उसको दे देना, आँख में काजल की तरह वो इसको लगाएगा। और उसके बाद बाकी बचा हुआ जो है वो आप उसी पेड़ के नीचे जा करके रख सकते हैं, है ना, वो जैसे आपने पहले जमीन के अंदर डाले थे ना, वैसे कपड़ोटी करके अच्छी तरह से उसको कवर करके रख दीजिएगा। तो जैसे ही कोई पेशेंट आएगा वैसे वहाँ से निकाल करके, अदरवाइज आप उसको फिर 3-4 महीने के बाद जब सर्दी का मौसम आएगा ना, नवंबर दिसंबर के बाद, तो उसके बाद आप पूरी तरह से निकाल करके सुरक्षित तौर पर आप एक बोतल में रख कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके पास पेशेंट आए उनको आप दे सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन है। आप जानते हैं नीम जो होता है वो एक तिक्त रसात्मक द्रव्य है, तिक्त है ये, ठीक है। तिक्त जो होता है वो पित्त को मतलब कफ को समन करता है ये। तो आपके आँख में कफ ही है जो आँख को विविध प्रकार के व्याधियों से युक्त करता है ना, क्योंकि आँख जो है वो मज्जा धातु से बना हुआ एक हिस्सा, एक अर्गन है। आँख जो है मज्जा धातु से बनता है। मज्जा धातु के कमजोरी होने से इसमें आँखों की प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर, इसीलिए तो डायबिटीज वालों का ये समस्या होता है, क्योंकि वो डायबिटीज में मेद धातु और मज्जा धातु जो है हो जाता है खराब। तो ऐसे में जब कफ बढ़ जाता है ना, कफ में जब दूषित होना शुरू हो जाता है, आँख के सामने जब कफ के जब लेयर आना शुरू होता है, तो ये क्या करेगा, आँख में जो आलोचक पित्त है, आँख में पित्त आलोचक है, तो उसको क्या करेगा, ये उसको बढ़ावा देगा, ठीक है। तो आँख के कचरा को ये साफ करेगा, वहाँ की गंदगी को ये हटाएगा। आँख में खुजली आना, कफ आँख के बाहर कफ का मतलब कि प्रभाव ज़्यादा होना, ऐसा हम मानते हैं, खुजली होना, जहाँ भी खुजली होती है वहाँ कफ है, यूँ समझ लो। तो जिसको आँख में खुजली होती है, जिसके आँख में जलन होती है, जिसके आँख में से पानी बार बार आता रहता है, आँखों से दिखाई नहीं देता, रेटिना में प्रॉब्लम हो गई, चश्मा लगा हुआ है, तमाम तरह के नेत्र संबंधी जो व्याधि है, उसके लिए ये बहुत ही उत्तम महाऔषधि है, ठीक है, करके देखना। और बहुत विश्वसनीय तरीका से, और कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसको आप बनाइए, और अगर आप इसी तरह के विशेष आयुर्वेदिक जिज्ञासा अगर आपके अंदर रहता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं तो देखिए अब मैंने कलेक्शन किया हूँ, अब मैं इसका रसायन तैयार करूँगा और 3-4 महीने के बाद मेरे पास हो जाएगा तैयार। अगर आप इसको बना नहीं सकते तो आप 3-4 महीने के बाद ज़रूर आप मुझे संपर्क कर लीजिएगा, तो मैं शायद अगर मेरे पास बचा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा ये काजल।
तो अगर आप आयुर्वेद सीखना पढ़ना नाड़ी परीक्षण सीखना चाहते हैं तो www.ayushyogi.com हमारा वेबसाइट है, वहाँ जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो आज दीजिए विदा, नमस्कार।